नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वेइंग। सर्वेइंग का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो सर्वेइंग क्या होती है? सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट एंड ड्राइंग देम टू द कन्वीनियंट रिड्यूस साइज ऑन पेपर। कहने का मतलब है सर, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज ड्राइंग मैप। सर्वे इज ड्राइंग मैप, मैप को ड्रॉ करना। इसके जैसे मैंने मैप है, इसमें रिलेटिव पोजीशंस हैं, रिलेटिव पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ओके। इनके ये जो इनको ड्रॉ करना है, के मेथड को कहते हैं सर्वेइंग। तो इसमें जो आपको मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेनी पड़ती हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेनी पड़ती हैं, और दूसरा है आपको वर्टिकल मेजरमेंट लेनी पड़ती हैं। वर्टिकल मींस जैसे इन दोनों पॉइंट के बीच में हाइट का क्या डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल मेजरमेंट। जो वर्टिकल मेजरमेंट लेनी पड़ती है उसको कहते हैं, जब हम जो वर्टिकल मेजरमेंट लेते हैं सर्वेइंग में, उसको कहते हैं लेवलिंग। एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो गई, एक वर्टिकल मेजरमेंट हो गई। जो वर्टिकल मेजरमेंट लेते हैं उसको कहते हैं हम लेवलिंग, ये हम बाद में पढ़ते रहेंगे। तो मेनली जो जो पर्पस है सर्वेइंग का, दैट इज़ टू ड्रॉ द मैप। मैप में जो है प्लान बनाते हैं हम, ओके, दैट इज़ कॉल्ड प्लान। टोपोग्राफी भी कहते हैं, तो टोपोग्राफी भी कहते हैं। इसमें मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, जैसे ये पॉइंट लोकेट है तो ए बी सी डी। जैसे आप कभी भी आपने देखा होगा दैट मैप्स लगे होते हैं, सिटी के मैप्स भी देखे हैं, इंडिया के भी मैप्स देखे हैं। तो दीज आर ऑल ड्रॉन बाय यूजिंग द सर्वेइंग के डिफरेंट मेथड्स यूज करके ही ड्रॉ किए गए हैं। देर आर जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ड्रॉ, उसके लिए छोटे मैप्स होते हैं, छोटे एरिया के मैप्स होते हैं, बड़े एरिया के मैप्स होते हैं। तो देर आर यू कैन बायफर्केट सर्वेइंग इन टू पार्ट्स। वन इज द प्लेन सर्वेइंग, अनदर इज कॉल्ड द जियोडेटिक सर्वेइंग। देर आर टू पार्ट्स यू कैन डिवाइड द सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। जो प्लेन सर्वेइंग में होता है वो छोटे एरिया के लिए होता है। आप जानते हैं जो अर्थ सर्फेस है इट इज़ इलेप्टिकल, ओके। दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में इट इज अ दिस आर्क, लेकिन हम इस आर्क को इग्नोर करके हम कॉर्ड ले लेते हैं, ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं अर्थ सर्फेस इज अ प्लेन, देन इट इज़ कॉल्ड द प्लेन सर्वेइंग। वी इग्नोर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड द प्लेन सर्वेइंग। इग्नोर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द प्लेन सर्वेइंग। जो प्लेन सर्वेइंग होती है उसका एरिया जो रिस्ट्रिक्ट किया है 260 स्क्वायर किलोमीटर तक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो यू हैव टू गो फॉर अनदर जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है, वी कंसिडर द एरिया दैट आर्क, आर्क टाइप में ही लेना पड़ता है। डिस्टेंस डी इज वी कैन नॉट इग्नोर, वी डोंट इग्नोर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, देन इट इज कॉल्ड द जियोडेटिक सर्वेइंग। दिस इज द प्लेन सर्वेइंग, दिस इज जियोडेटिक। दो प्रकार की सर्वेइंग हो गई, जियोडेटिक सर्वे एंड जो गवर्नमेंट एजेंसी जो बनाती है जीटीएस, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जियोडेटिक सर्वेइंग करती है। जितनी रेलवे की सर्वेइंग होती है या बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ डन बाय द जियोटेक सर्वे। और मान लीजिए कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, छोटी सी लोकेलिटी, देन वी गो फॉर प्लेन सर्वेइंग। तो आप पढ़ेंगे प्लेन सर्वेइंग मोस्टली पढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि मेजरमेंट्स, बेसिकली जो सर्वे में है वो मेजरमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ओके। मेजरमेंट क्या होती है, जैसे कोई भी चीज़ को डिस्टेंस मेजर करना है, यू हैव टू मेजर डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, ओके। तो यू कैन मेजर इन किलोमीटर,
यू कैन मेजर इन मीटर और यू कैन मेजर इन मिलीमीटर आल्सो। ओके, तो बेसिकली ये यूनिट्स यूज़ होते हैं, किलोमीटर मीटर। अब जनरली मीटर हम यूज़ करते हैं, जब बहुत बड़े एरिया का सर्वे करना हो तो किलोमीटर भी यूज़ करते हैं। एमएम तो छोटा सा यू हैव टू कन्वर्जन स्केल्स होता है, मैप जो कन्वर्जन स्केल में कम करते हैं। यू वी मस्ट नो दैट मिलीमीटर यूनिट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, 10 mm इक्वल टू 1 cm, 10 cm इक्वल टू 1 dm, एंड 10 dm इक्वल टू 1 m, एंड यू कैन ऑल्सो से 10 m इक्वल टू 1 dm, एंड dm एंड 10 dm इक्वल टू 1 hectometer एंड 10 hectometer इक्वल टू 1 km। ओके, तो इफ़ यू से अगर आप कहें जैसे 1 km में होते हैं 10 10 10 10 10 10, तो 1 km में 1000 m होते हैं। ओके, ये अब एरिया की बात करें तो आप कह सकते हैं 1 hectometer में अगर बात करें, 1 hectometer में बात करें तो 100 m होते हैं, और 1 hectare दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ हेक्टोमीटर। 1 hectare में होते हैं 100 × 100 square meter, तो 1 hectare इक्वल टू 10,000 square meter, और 1 square kilometer यू कैन से इक्वल टू 1,000 × 1,000 meter। ओके, तो दिस वे यू कैन इजीली फाउंड आउट द वेरियस यूनिट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट यूनिट्स। और एंगल के यूनिट्स तो आपको पता है, 1 degree equal to 60 minutes एंड 1 minute equal to 60 seconds। ये एंगुलर मेजरमेंट है, हमें तो एंगुलर मेजरमेंट भी करनी पड़ती है और लीनियर मेजरमेंट भी करनी पड़ती है। तो अब आप, हम जब सर्वे करते हैं, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। एक तो मेजरमेंट्स कौन सी होती हैं, लीनियर मेजरमेंट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं चेन, टेप, आजकल टैकोमीटर, ओके, और EDM इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। और एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास एंड वर्नियर सर्वेयर कंपास एंड थियोडोलाइट, ये इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। यह सबके बारे में हम आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं सर्वेइंग के लिए। और स्लोप निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइन निकालने के लिए भी कंपास यूज़ करते हैं, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्लोप मेजर के लिए, स्लोप एंड हाइट मेजर के लिए क्लिनोमीटर, इज यूज टू मेजर द स्लोप एंड लेवल, विथ स्टाफ। Also, you can measure the slope using the theodolite. All these things you can, if you are using total station, you can use all this work done through total station. Or there are some plotting instruments. Plotting is also done by using the plane table also, direct plotting. You can plane tabling table you can use for direct plotting on the field. So these are the various instruments used. Okay, इन instruments के बारे में आस्ते आस्ते नए videos आएंगे, ये तो this is for the introduction. Then next is
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्वे, टाइप्स ऑफ सर्वे मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ ओके क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे कौन सी होती है? नंबर एक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे होती है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट यूज, दैट इज चेन सर्वे, ओके कंपास सर्वे, एंड लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्वे, ओके एज पर द इक्विपमेंट यूज, एंड थियोडोलाइट सर्वे. दीज आर द यूज एज पर देयर इक्विपमेंट एंड एज पर इक्विपमेंट्स यूज. Another type of survey, other type of classification is based on the purpose of survey. Purpose of survey means किस purpose के लिए, that is mine survey. Next is the you can say mine survey, that is as per purpose of survey. Mine survey. जियोलॉजिकल सर्वे, दिस इज बेस्ड ऑन द पर्पस, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ओके एंड मिलिट्री सर्वे, सो दीज आर द सर्वे विच इज दिस इज द क्लासिकल सर्वे बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ और यूज ऑफ सर्वे. अनदर अकॉर्डिंग टू मैथड अप्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे एज पर मैथड एम्प्लॉयड. मैथड एम्प्लॉयड में आता है आपका ट्रायंगुलर सर्वे, एंड टैकोमेट्रिकल सर्वे, ट्रैवर्सिंग सर्वे, सॉरी ट्रैवर्सिंग सर्वे. दिस इज द सर्वे बेस्ड ऑन देयर मैथड एम्प्लॉयड. अनदर टाइप ऑफ यू कैन से बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ वर्क, बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ वर्क, दैट इज द यू कैन से लैंड सर्वे, एंड another is the you can say cadastral survey. Cadastral survey is usually done to larger scale than topographical survey. Topographical survey, topographical survey, this is a part of the land survey. Another is the cadastral survey. Okay. तो कैडास्ट्रल सर्वे इज द लार्जर पार्ट ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे, दैट इज कॉल्ड द कैडास्ट्रल सर्वे. सिटी सर्वे, दिस इज ऑल्सो पार्ट, ऑल द पार्ट्स ऑफ द लैंड सर्वे, एंड अनदर इज द इंजीनियरिंग सर्वे फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. एंड अनदर टाइप ऑफ हाइड्रोलॉजिकल सर्वे इज ऑल्सो देयर, एरियल सर्वे इज ऑल्सो देयर. दिस इज वन, इट इज इट्स पार्ट, देन इट इज द हाइड्रोलॉजिकल सर्वे. एंड नंबर थर्ड इज एरियल सर्वे. ओके सर्वेइंग जो है, जो आप सर्वेइंग देखेंगे वो इट वी आर स्टडिंग द बेसिक सर्वेइंग राइट नाउ, पहले पुणे के लिए. लेकिन सर्वेइंग तो आजकल बड़ी डिजिटलाइज हो गई है और काफ़ी अच्छे मैप्स आप देखते हैं, गूगल का आने से मैप्स में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं. तो पहले किसी भी सर्वे तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी द बेसिक सर्वेइंग, देन वी विल स्टडी द
अनदर एडवांस सर्वेइंग। थैंक यू, आप इसी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।